बिहार का मौसम आजकल कूल कूल नजर आ रहा है और लोगों को उमस भरी गर्मी से भी काफी ज्यादा राहत मिल रही है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन। खबर मौसम से जुड़ी है जहां हम आपको मौसम का ताजा हाल बताने वाले हैं। राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में अब लोगों को उमस भरी गर्मी से और भी ज्यादा राहत मिलने वाली है। जहां मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि आने वाले दिनों में लोगों को तेज बारिश के साथ आंधी भी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर राजधानी पटना की बात करें तो राजधानी पटना में मौसम जो है वो लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है, जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल रही है। क्या कुछ मौसम को लेकर ताजा जानकारी दिया गया है, चलिए हम आपको विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं। मौसम का मिजाज लगातार बदला हुआ है। मई महीने के पहले दिन दिल्ली से लेकर बिहार तक कई जगहों पर झमाझम बारिश हुई है। इसके चलते तपती गर्मी का दौर जैसे थम गया है। मौसम बिल्कुल कूल कूल हो गया है। ठंडी हवाएं लोगों को आराम दे रही हैं। मई का महीना आम तौर पर बेहद गर्म माना जाता है, लेकिन राजधानी पटना समेत सूबे के ज्यादातर जिलों में तापमान लगातार नीचे जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी दो दिन ऐसा ही मौसम और भी रहने के आसार है, यानी लोगों को अभी और गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। अगर पटना की बात करें तो पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज भी बिहार के अलग अलग जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन मौसम में खास बदलाव के आसार नहीं है। जिन इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है उसमें पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, जहानाबाद शामिल है। इसके अलावा अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, वैशाली, भोजपुर, गोपालगंज, सारण में बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक इन सभी जिलों में हल्की से मध्य दर्ज की बारिश को हो सकती है, साथ ही बादल गरजने और वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। बिहार में पिछले कुछ दिनों के दौरान बदले मौसम की वजह से तापमान में गिरावट का दौर जारी है। सूबे में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बक्सर में रिकॉर्ड किया गया है। तो मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम राजधानी की बात करें तो राजधानी पटना में भी अभी लोगों को दो से तीन दिन उमस भरी गर्मी से थोड़ी और राहत मिल सकती है। लगातार तापमान में जो है वो गिरावट दर्ज की जा रही है। और बिहार की अगर बात करें तो बिहार के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से। बिहार के कुछ जिलों में जहाँ पिछले तीन चार दिनों से लगातार बारिश हो रही है, वहां आने वाले दो तीन दिनों में भी मौसम जो है कुछ ऐसा ही दिखने वाला है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। और भी न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज फॉर्मेशन।